चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। जय भीम नमो बुद्धाय। जय संविधान। मैं डॉक्टर कंचन लता, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा बुलंदशहर से हूँ और आप सभी का संग में स्वागत करती हूँ। अपने महापुरुषों को नमन करते हुए और अपनी बहनों को आभार करते हुए प्रकट करते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ। आज जिस अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट में कुछ कहने को बचा नहीं, जिस तरह से रंजना मैम ने कॉन्सेप्ट को बताया है, उनका बहुत बहुत साधुवाद। तो देखिए, वी द पीपल समर संघ में इसका कॉन्सेप्ट है, जुड़ेंगे, जोड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे तभी तभी हम जी पाएंगे। जिंदा रहने के लिए हमें जीतना है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना बहुत आवश्यक हो गया है। हमारा मनोबल बिखरा हुआ है, अतः जुड़ना बहुत जरूरी है। जुड़ने के आप फायदे देख रहे हैं, हम किस तरह से मतलब आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे से बातें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने खोए हुए इतिहास को जान पा रहे हैं। तो अपनी खोई प्रतिष्ठा को हमें प्राप्त करना है और अपने आप को खोजना है। हमारे अंदर जो संभावना है, हमारे अंदर जो टैलेंट है, उसको भी देखना है हमें। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है, उसको शुरू से आप कहते रहे अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वाकई में वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन एक अच्छे साधारण से बच्चे को आप अगर उसको निरंतर मतलब ये बताते रहे कि आप क्या कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो बच्चा बहुत आगे चला जाता है। तो इसलिए हमें एक दूसरे का साथ लेकर एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहना है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है और क्या है, इसी तरह से अपने महापुरुषों को जानना भी है, अपनी ताकत को पहचानना भी है। इकट्ठा होने की अगर बात आती है तो इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है भीमा कोरे गांव। भीमा कोरे गांव में लोग हम ही थे, वही लोग थे जिनके गले में हांडी थी और कमर पे झाड़ू थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इनको लगता था मतलब किसी के आगे खड़े नहीं हो सकते थे, सर झुकाकर ही आप खड़े होते थे दूर की उनकी परछाई भी और लोगों पर ना पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुट्ठी भर लोग जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने एक अविश्वसनीय मतलब इतिहास रच दिया। यही है इकट्ठा होने का मेन कॉन्सेप्ट, जो जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो थे, जो दीनहीन से थे, हमारा देश था, हमारा जहान था, हमारे खेत और खलियान हमारे नहीं थे, हमारा पानी हमारा नहीं था, उसे हम पानी पीने का अधिकार हमें नहीं था। और लोग कहते थे कि हम तुम एक अपनी ही जमीन पे, हम इतने बेगाने थे, इतने विवश थे कि लोग हमने ये कहते थे कि हम तुम्हें जो है एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। आखिर एक ऐसी क्या शक्ति हमारे साथ में हुई कि हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और हम उसमें विजयी हुए। उसमें वो था कि जब हम इकट्ठा हुए तो हमारा मनोबल कितना ऊंचा हो गया, हम समझ पाए कि वास्तव में हमारे अंदर मतलब कितनी कैपेबिलिटी है, हम कितने ताकतवर हैं। इसके लिए हमारे लिए हमको जुड़ना जरूरी है और हमें अपने आप में अपना अंतर्मन खोजना है कि वास्तव में हम क्या वाकई किसी लायक नहीं है, क्या हम हमेशा जो है तिरस्कृत होने के लिए हैं। तो बस यही है कि हमें ये समझना है, बहुत हो चुका हमें ये समझना है कि हम क्या हैं और क्यों हैं। हम कुछ नहीं है इसलिए कि हम कहीं नहीं है, हम बिखरे हुए, हम बहुत कुछ हैं, हम सब कुछ है, हम एक महाशक्ति हैं जब हम इकट्ठा हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे जोड़ने का, जुड़ेंगे, जोड़ेंगे और जीतेंगे, जीत हमारी निश्चित है। थैंक यू। जय संविधान, जय भारत। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं,
आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।